हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल क्यों वाली मदद क्या हाल है गाइस। तो आज जिस मनकबत पे मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ उसका टाइटल है मैं हूँ गुलाम हैदर। मैं हूँ गुलाम हैदर जिसे पढ़ा है मीर हसन मुर्तज़ा ने। मीर हसन मुर्तज़ा ने इसे पढ़ा है। नन्हे से ये एक मनकबत ख्वाने छोटे से नन्हे से ये एक मनकबत ख्वाने इंडिया के है। ये मुझे पर्सनली इनका मैसेज आया था कि भैया आप जो है मेरे मनकबत को चेक करिए, मुझे बताइए मैंने कैसा पढ़ा है, उसके ऊपर रिएक्शन करिए। दैट्स वाई मैं इस छोटे से नन्हे से बच्चे के मनकबत को चेक करने जा रहा हूँ। 13 रजब का मनकबत है ये, आई थिंक कल परसों रिलीज़ हुआ है। तो लेट्स सी, पहले इस मनकबत को सुनते हैं अपन, उसके बाद जो भी बात करेंगे। एंड प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करना इस बच्चे को। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, कमेंट में भी मैं पिंड कर दूंगा, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना, सपोर्ट कर देना इसे, ठीक है। तो अब इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। मीर हसन मुर्तज़ा बेंगलोर के है ये। या अली या अली या अली या अली अली का नाम ला अल्लाह से गुजर जाओ जो काम हश्र में आए वो काम कर जाओ अली सिया तुम हो फिदा हैदरी। मैं हूँ गुलाम हैदरी या अली 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 मैं हूँ गुलाम हैदरी या अली अली उसी टेम्पो में पढ़ा है, उसी फ्लो में पढ़ा है। जन्म फिदा हैदरी का जो फ्लो है उसका जो टेम्पो है। किस्मतों के चमन में खिले गाली ला मका के मका में मिले गाली अली मौला अली कैसे हो तेरी हम सरी अली अली मैं हूँ गुलाम हुक्मरानी अली आब जमजम की वज रवानी अली नूर खालिक तेरा खुद भी नूरी है तू अपनी बख्शिश की खातिर जरूरी है तू अली Yeah.
कब्र में जब भी वक्त हिसाब आएगा तब ये साहिल के लब पर जवाब आएगा। अली इरफान हैदर कौन पाकिस्तानी इरफान हैदर की बात कर रहे हैं क्या? बहुत प्यारा, बहुत क्या कहेंगे इसे, एक छोटे से बच्चे का एक नन्हा सा मन का बात, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनने में। जानम फिदा हैदरी का जो टेम्पो था, उसकी जो लाइक फ्लो थी, है ना, उसी पे पूरा इसे पढ़ा गया है। मैं हूँ गुलाम हैदरी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा है। बहुत छोटा ये बच्चा था, मैंने जितने भी अभी तक की मन के बात ख्वान को सुने हैं, नोहा ख्वान को सुने हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, उन सब में से सबसे ज़्यादा छोटा ये बच्चा था। बिकॉज आवाज़ सुन के ही लगती है काफ़ी ज़्यादा छोटी, छोटे बच्चे की जो आवाज़ होती है ना, पूरा लाइक वही आवाज़ थी इनकी, बहुत छोटे है आवाज़ सुन के लग रहा है। एंड मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हल्की फुल्की सी जो आवाज़ है ना, वो लाइक बीच की पार्टी में बात कर रहा हूँ, हल्की फुल्की सी ऊपर नीचे हुई है वो मिक्सिंग मास्टरिंग में, हल्की फुल्की सी रॉ रहेगी तुम कह सकती आवाज़ को, छोटे से है, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे इंप्रूव कर लेंगे, अच्छा मनकबत के निकालेंगे मुझे लग रहा है भैया, क्योंकि इनकी आवाज़ जो है ना प्रॉपर हाई स्केल वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा चलने वाले है, मेरे से लिख के ले लो, बहुत चलने वाले हैं ये, अगर थोड़ा इंप्रूवमेंट करें तो धीरे 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 पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा कर लेंगे। हल्की फुल्की सी ऊपर नीचे है, बीच बीच में, बस वही मैं कह रहा हूँ। आखिरी में कोई और भी आया था, आई थिंक उनके भाई वगैरह होंगे या फिर उनके कोई फैमिली या फिर कोई लाइक टीम के होंगे जहाँ से लाइक उन्होंने पूरा ये मनकबत रिलीज़ करा है। बहुत अच्छा था, लाइक पूरा मिला के कहा जाए तो बहुत अच्छा था। एंड धीरे धीरे लाइक जिस तरह से मनकबत निकाला, इसी तरह से मनकबत निकालते रहेंगे ना, तो और भी ज़्यादा मनकबत अच्छा लाइक बनता रहेगा, इम्प्रूवमेंट होती रहेंगी इनकी आवाज़ में। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी है, इस छोटे बच्चे की आवाज़ अच्छी है, धीरे धीरे टेक्निकलिटीज़ भी बहुत अच्छी तरह से सीख जाएगा, प्रॉपरली जो सुरताल की बात होती है वो बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेगा, है ना। और वीडियोग्राफी की अगर बात करेंगे, काफ़ी सिंपल वीडियो था, मतलब तुम कह सकते हो कि काफ़ी लो बजट में इसे पूरा करा गया है एंड अच्छी तरह से बना दिया गया है। अब पार्क में शूट करा है जहाँ पर जॉगिंग वगैरह करी जाती है, वहाँ पर तुमने देखा बैकग्राउंड में, है ना, उससे मतलब नहीं अपने को भाई, वीडियो से मतलब, मुझे ऑडियो से मतलब है, वो क्या कह रहे हैं उससे मतलब है, है ना। मौला अली इस्लाम की तारीफ फुल एक तरह से चल रही थी, वही काफ़ी है भैया। नूह की लाइक बहुत सारे इसमें एक दो वाक्या भी एक्सप्लेन कर गया, जो हज़रत नूह थे उनकी कश्ती पे भी मौला अली इस्लाम का सपोर्ट था, स्टार्टिंग इसी से हुई थी, है ना, कश्ती वाला जो किस्सा था एक तरह से, लाइक जब हज़रत नूह ने कश्ती बनाई थी एक तरह से, लाइक बहुत बड़ा क्या कहते हैं वो फ्लड आया था, है ना, फ्लड आया था एक तरह से, लाइक तो पूरा हर तरफ पानी पानी हो गया था, तो जिन लोगों को हज़रत नूह ने ज्ञान देके, इल्म देके, नॉलेज देके मुसलमान बना लिया था, उन सब लोगों को वो अपनी कश्ती पे सवार कर लेते हैं, इन जानवर को भी सवार कर लेते हैं, तो लाइक इतने सारे लोग हो जाते हैं, कश्ती बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है वो कश्ती, सच बता रहा हूँ मैं, सोचो इतने सारे लोगों को उन्होंने कैसे
बेड़ा पार लगाया होगा, कैसे उन्होंने क्रॉस करा होगा, लेकिन इतनी बड़ी तकलीफ में, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में वो कैसे पार हुए होंगे, है ना। तो उसमें सपोर्ट था मौला अली अलैहिस्सलाम का, ये बता रहे थे, है ना। बहुत सारे लाइक बहुत सारे बहुत अच्छी तरह से, मैं लाइक वही कहूँगा लाइक बहुत अच्छी तरह से इस पूरे मनकबत को बनाया गया है। लास्ट में जो एक और व्यक्ति आए थे इनकी टीम के, उनने भी काफ़ी लाइक अच्छा वो जो हाई एक नोट लिया था, एक तरह से वो जो कह रहे थे कि भैया ज़मीन पे भी मौला अली अलैहिस्सलाम का राज है, इवन फलक में भी उनका राज है, बहुत सिंपल सी बात है। बहुत अच्छा है मनकबत था, बस इसी तरह से मनकबत पढ़ते रहो भैया, बहुत सिंपल सी बात है। रेहान जलालपुरी जो एक इंडिया के हैं, मैंने उनसे भी बात कराई, उनकी इतनी अच्छी आवाज़ है, इतनी अच्छी टेक्निकलिटीज़ है उनकी आवाज़ में, मैंने उनको कहा कि भैया तुम भी निकालो, तो वो कह रहे हैं कि मुहर्रम में उनके नोहे ऑफिशियली आने वाले हैं, एंड सच बता रहा हूँ उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो सही है, इंडिया से ही बहुत अच्छे अच्छे लाइक छोटे छोटे नन्हे नन्हे अभी से नोहा खुआन निकलेंगे, तो धीरे धीरे और भी जो है ना लाइक आगे बढ़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो याद दैट्स इट, वही कहूँगा मैं, सपोर्ट कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पिंड भी कर दूंगा कमेंट में, प्लीज़ सपोर्ट कर देना इस बच्चे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, यू अली मदद, लव भाई क्या उसे। अब्र में जब भी वक्त हिसाब आएगा, तभी ये साहिल के लब पर जवाब आएगा। अली।